मूली अचार और चटनी। टेस्टी भांग की चटनी। हाथ से दिखाओ तो सही है। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हैरी पांडे बागेश्वर वाली ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। तो अभी देखिए मैं खड़ा हूं नुमाइश खेत में और आज मौसम बारिश का है। अभी भी बादल लगे हुए हैं और काफ़ी ठंड है। आज है 4 फरवरी और संडे का दिन है। अभी मैं जा रहा हूँ बेणी माधव के मंदिर। हमारे यहाँ पर त्रिवेणी नारायण का मंदिर है और आज वहाँ पर है माघी खिचड़ी का आयोजन किया जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे वहीं से आ रहे हैं, अभी सभी लोग खिचड़ी खा के आ रहे हैं और आज यहाँ पर को विशाल भंडारा है। माघी खिचड़ी का आयोजन किया जा रहा है। देखिए सामने नुमाइश खेल मैदान में रामलीला कमेटी के भवन में सभी लोग खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं और बारिश है आज। देखिए काफ़ी बारिश का दिन है, ठंडी काफ़ी है, बारिश अभी भी हो रही है रिमझिम। तो हमारे यहाँ हर साल जो माघी खिचड़ी का आयोजन किया जाता है बेणी माधव मंदिर में, यहाँ पर त्रिगुवी नारायण का मंदिर है। देखिए विशाल खिचड़ी का डेग रखा हुआ है। अभी यहाँ पर को भंडारा शुरू हो गया है और काफ़ी लोग आए हुए सभी खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं। देखिए सभी कार्यकर्ता खिलाने में लगे हुए हैं, सभी ये हैं लोग, हम लोग मिलजुल कर ये काम कार्य को करते हैं, सभी अपना अपना सहयोग देते हैं। देखिए अभी खिचड़ी का कार्यक्रम, खिलाने का कार्यक्रम चल रहा है, काफी लोग आए हुए यहाँ पर। तो सामने चटपटा आम का मिक्स अचार दिया जा रहा है क्योंकि खिचड़ी के साथ अचार ना हो तो मजा नहीं आया। और सामने दही भी दिया जा, चटनी है भांग की, सॉरी। और देखिए भांग की टेस्टी चटनी, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और ये भी बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है चटपटी खिचड़ी के साथ। खिचड़ी हो और दही ना हो ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर को दही भी दिया जा रहा है और काफ़ी मीठा दही है और खिचड़ी के साथ दही तो काफ़ी टेस्टी लगता है, खाने में मज़ा आता है। तो भंडारा तो खिचड़ी का सुबह से ही शुरू कर दिया था और काफ़ी लोग आए थे। देखिए बारिश का मौसम था और उसके बावजूद भी यहाँ पर को काफ़ी भक्तजन आए थे। देखिए सामने है सलाद, रंग चटपटा रंग बिरंगा, इसमें गाजर है, मूली है, हरी मिर्च है और खीरा है। तो सभी को दिया जा रहा है सलाद। ये है गाय का देसी घी और सभी लोग को खिचड़ी हो और घी ना हो उसमें ढेर सारा घी हो, खिचड़ी खाने का तभी मज़ा है। और यहाँ पर को घी की व्यवस्था भी है, सभी को घी भी दिया जा रहा है खिचड़ी के साथ। तो सामने मेरा बड़ा भाई खिचड़ी बांट रहा था सभी लोगों को। तो देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, तो आप भी आ जाइए यहाँ पर को फटाफट खिचड़ी खाने। हमारे यहाँ पर को देखिए काफ़ी टेस्टी खिचड़ी बनी है, भले मैंने भी खाई नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी महक आ रही थी और लोग बड़े चाव से खा रहे थे। लोगों के खाने से पता चल रहा था कि वाकई में खिचड़ी काफ़ी टेस्टी होगी। तो अभी हम सब पहले सभी को खिलाएंगे, अभी लोग काफ़ी लोग आएंगे यहाँ पर को। देखिए दो शर्मीले बच्चे कैमरे को देख के ही सबने मुंह ढक लिया है, लोग कैमरे में नहीं आना चाह रहे थे। तो अभी खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा है, देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, कई लोगों ने खा लिया है यहाँ पर को, क्योंकि आज मंदिर में खिचड़ी का आयोजन किया जाता है। यहाँ को त्रिगुवी नारायण का मंदिर है तो क्योंकि अब बारिश है और तो इसीलिए सभी लोगों को खिचड़ी वहीं पर बन रही है। और यहाँ पर को रामलीला कमेटी का जो भवन है वह यहाँ पर को सभी भक्तजनों को खिचड़ी का खिचड़ी को खिलाया जा रहा है क्योंकि बारिश का दिन है और रिमझिम अभी बारिश चली रही है, सारा ठंड भी काफ़ी है क्योंकि आज कई दिनों बाद बारिश आई, बारिश हो नहीं रही थी। तो सभी लोग खाने में लगे हुए हैं और मैं भी सभी को लोग को खिचड़ी सर्व कर रहा था क्योंकि हम सभी लोग अपना इसमें योगदान देते हैं।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग। तो फ्रेंड अभी चल रही है यहाँ पर खिचड़ी। आज माघी खिचड़ी का आयोजन किया है देवी माधव में और अभी यहाँ पे सभी लोग खिचड़ी खा रहे हैं। देखिए सामने तिवारी है, बिल्कुल पिया देसी घी, इनकी दुकान से घी आया है और यही घी बात है, बहुत समाज से करता है। आप इसे हर जगह देख सकते हैं, मंदिर भंडारे। तो अभी देखिए हम खिचड़ी का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोग आ रहे हैं यहाँ को खा रहे, समस्त बागेश्वर वाले यहाँ पर खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं अभी। और ये माघ के महीने में हमारे यहाँ पर खिचड़ी खिलाई जाती है माघ की, तो आज उसी का आयोजन है अभी देवी माधव में। और देखिए यहाँ पर कुछ सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं और अभी खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा है। तो देखिए सभी प्यारे प्यारे बच्चे भी आए हुए थे यहाँ पर को, और देखिए सामने जीवन सभी को प्लेट दे रहा था। तो सभी लोग, मैंने बताया था आपको, सभी जितने भी हमारे यहाँ पर को लोग होते हैं सारे बागेश्वर वाले, सभी लोग मिलजुल के इसमें अपना सहयोग देते हैं। देखिए सभी लोग सुबह से आ गए थे और सुबह से ही काम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था खिलाने पिलाने का। देखिए सामने लोगों को दही भी जम के दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर को सारी चीज़ें अवेलेबल थी और जिसको जितना खाना था वो सब उनको दिया जा रहा था, चाहे वो घी हो, दही हो, चटनी हो, चाहे अचार हो। और सभी लोग खाने में काफ़ी खुश थे क्योंकि यहाँ पर को हर साल किया जाता है हमारे यहाँ खिचड़ी का आयोजन। वैसे खिचड़ी का आयोजन यहाँ पर को और जगह भी किया जाता है, बागनाथ मंदिर में भी होता है। तो यहाँ पर माघ के महीने में बागेश्वर में कई जगह पर खिचड़ी का आयोजन किया जा रहा है। देखिए आज अभी बागनाथ मंदिर में भी खिचड़ी का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ भी लोग खा रहे हैं खिचड़ी। तो देखिए कोई कुछ मांग रहा था, कोई गिलास मांग रहा था, कोई खिचड़ी मांग रहा था और फटाफट मैं सभी को दे रहा था क्योंकि मैं भी थक गया था क्योंकि मैं भी सुबह से काम में लगा हुआ था यहाँ पर को। और अभी आ रहे हैं भक्त लोग, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी लोग यहाँ पर को आए हुए। मुझे लग रहा था कि बारिश होगी तो काफ़ी कम लोग आएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, काफ़ी लोग आ रहे हैं दूर दूर से यहाँ पर को खिचड़ी का आनंद लेने के लिए। और सामने खिचड़ी के साथ सभी लोग को घी दिया जा रहा है, अचार दिया जा रहा है, मूली दी जा रही है, जितने भी खिचड़ी के साथ खाए जाते हैं वो सब यहाँ पर को है। तो देखिए सामने चटनी है, अचार है, मूली है और घी है, खिचड़ी है, सभी को मिलाकर खाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो सभी लोग खा रहे हैं अभी, आनंद ले रहे हैं खिचड़ी का। तो देखिए सामने तिवारी खा रहा था खिचड़ी, पहले इसने काफ़ी काम किया था तो थक गया था बेचारा और भूख भी लग गई थी उसे, तो खिचड़ी खाने लग गया। देखिए कोई झाड़ू लगा रहा है, सभी हमारे भाई बंधु हैं, सभी मित्र लोग हैं, सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो यहाँ पर को हो रही थी हमारी खिचड़ी तैयार। देखिए सामने दादा थे जो काफ़ी अच्छी खिचड़ी बनाते हैं, हर साल यही बनाते हैं खिचड़ी। और अभी मैं यहीं को आया था जहाँ को खिचड़ी बननी, चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर को खिचड़ी कैसे तैयार होती है। देखिए चावल डाला जा रहा है और देखिए यहाँ को मसाला भून रहे हैं दादा, तो खिचड़ी तैयार होती है। देखिए इतने बड़े से डेग में खिचड़ी बनाई जा रही थी, ऐसे कितने डेग तैयार हो गए थे और ख़त्म ही हो चुके थे। देखिए जैसे जैसे डेग ख़त्म हो रहे थे नई नई खिचड़ी बनते जा रही। देखिए सामने उड़द डाली जा रही है बड़े से डेग में, इसमें मटर है, गोभी है और चावल है, घी है, फिर जो खिचड़ी तैयार होती है। देखिए खिचड़ी का सामान रखा हुआ है मंदिर में, ये खिचड़ी जो बनती है यहाँ पर को त्रिगुवी नारायण का मंदिर है बेणी माधव में, वहीं पर खिचड़ी बनाई जा रही है, ये मंदिर का परिसर है। देखिए सामने है त्रिगुवी नारायण का मंदिर, बेणी माधव मंदिर लिखा हुआ है। देखिए ये मंदिर है, यहाँ पर को विष्णु देवता है और भी कई देवता हैं, ये काफ़ी पुराना मंदिर है हमारा यहाँ पर को, ये कई युगों से बना हुआ है। और देखिए सामने मंदिर है घंटी की और यहाँ पर जो खिचड़ी का आयोजन यहीं पर इसी मंदिर परिसर में किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर को खिलाया भी जाता था लेकिन बारिश का मौसम है, काफ़ी बारिश हो रही थी इसलिए वहाँ पर को रामलीला कमेटी भवन में लोगों को खिलाया जा रहा था, लेकिन खिचड़ी यहीं को तैयार हो रही थी। सामने दादा और अन्य लोग यहाँ पर खिचड़ी तैयार कर रहे थे
बड़े बड़े डेगों में खिचड़ी तैयार हो रही थी। और देखिए सामने इसमें गोभी भी मिलाई जा रही थी, गोभी मटर आलू, इसी तभी काफ़ी टेस्टी खिचड़ी बनती है। क्योंकि खिचड़ी सुन के हम सोचते हैं कि खिचड़ी कितनी बेकार सा मुंह बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर जो खिचड़ी बनाई जाती है काफ़ी टेस्टी होती है, इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ पर को खिचड़ी खाने आते हैं बड़े चाव से। देखिए खिचड़ी अभी तैयार हो रही है और सुबह से ही कई डे खिचड़ी तैयार कर दी गई है। ये मंदिर का गेट है, यहीं से हम मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। तो देखिए सामने अंदर मिठाई भी तैयार हो रही थी, यहाँ पर को बूंदी थी और उसके लड्डू बनाए जा रहे थे। देखिए काफ़ी ढेर सारे लड्डू बने हैं और खाने के बाद सभी को प्रसाद के रूप में इसे बांटेंगे। तो अभी खिचड़ी का आनंद भक्त लोग ले रहे हैं। देखिए ये सामने सभी हमारे मोहल्ले से आए थे और देखिए सभी को खिचड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने पूछा कैसी है खिचड़ी, तो सभी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे और सभी लोग हाय कहने लगे सभी को और खिचड़ी का आनंद ले रहे थे। हंसते हुए मुस्कुराते हुए खिचड़ी दी जा रही थी उनको। तो सभी लोग अभी खिचड़ी खा रहे थे और सभी को चटनी घी अचार के साथ खिचड़ी दी जा रही थी और सभी लोग खुश थे और अच्छी लग रही थी सभी को खिचड़ी। मैंने पूछा तो सभी लोग कह रहे थे काफ़ी अच्छी बनी हुई खिचड़ी और देखिए अचार मिल जाए खिचड़ी के साथ तो मज़ा आ जाए। सलाद था चटपटा और उसके साथ घी। तो सामने देखिए श्री बैठी थी, आपने इसे पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मेरा भाई उसे खिला रहा था, वो खा नहीं रही थी। खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा था, लोग खा रहे थे तो मैं थक गया था, थोड़ी देर यहाँ पर को नुमाइश में आया था। देखिए नुमाइश के मैदान में आपको ऊपर देखिए आपको काफ़ी खूबसूरत टेंट लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर को कल शादी वगैरह थी तो इसीलिए टेंट लगाया था और सामने बारात जा रही थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं बारात। तो थोड़ी देर मैं बारात देखने चले गया था, मैंने आपको दिखाई थी बारात और फिर वापस आ गया था, फिर काम में जुट गया था। देखिए सभी को खिलाने पिलाने का कार्य और देखिए सामने मैं दही बांट रहा था और सभी को दही जम के दिया जा रहा था, क्योंकि दही भी यहाँ पर काफ़ी था और अभी भी लोग आ रहे थे, काफ़ी भीड़ थी क्योंकि कई लोग खा के जा रहे थे और दोबारा फिर कई लोग बैठ रहे थे खाने के लिए, दूर दूर से आए थे यहाँ पर लोग खिचड़ी खाने। तो सामने बच्चे भी खिलाने पिलाने में अपना सहयोग दे रहे थे और सामने डेगची भर के रखा हुआ था रंग बिरंगा सलाद और सामने दही था और खिचड़ी के डेग रखे हुए थे और ये देखिए चटनी का इतना बड़ा डेग बनाया हुआ था, पूरी भर के चटनी बनाई हुई थी और देखिए इतनी रह गई अब। तो सामने मेरे भतीजे बैठे हुए थे खिचड़ी खा रहे थे, जैसे ही कैमरा मैंने उनकी तरफ किया तो सबने अपना मुँह नीचे कर लिया टोपी के अंदर, क्योंकि काफ़ी शर्मा रहे थे। और अभी यहाँ पर कोई खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा था और अभी भी लोग आ रहे थे खाने के लिए और कई लोग बैठे हुए थे इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग उठें और हमारा नंबर आए। तो खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा था अभी तक, क्योंकि खिचड़ी काफ़ी बनाई हुई थी, इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर को काफ़ी भीड़ थी और खिचड़ी कई डेगों में खिचड़ी तैयार की जा रही थी। जैसे जैसे डेग ख़त्म होते जा रहे थे नया डेग आते जा रहे थे और लोग बैठ रहे थे खिचड़ी का आनंद ले रहे थे, खिचड़ी तो काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी। और आप लोग भी अगर खाना चाहते हैं तो फटाफट आइए यहाँ पर को खिचड़ी का आनंद लीजिए।
फ्रेंड आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी खिचड़ी का आयोजन किया जाता है या किस किस के यहाँ ये माघी खिचड़ी का आयोजन किया जाता है, मुझे कमेंट करिए। देखिए सामने मेरे हाथ में है गोभी का फूल, गर्मा गर्म खिचड़ी के अंदर था। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा हमें, ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोग के यहाँ भी ऐसी माघी खिचड़ी का आयोजन किया जाता है और इसी तरह खिलाया पिलाया जाता है तो भी हमें बताइएगा। और देखिए खिचड़ी, तो खिचड़ी के चार यार घी मूली दही अचार ये सब यहाँ पर को उपलब्ध थे और वो भी खिचड़ी के साथ दिए जा रहे थे। और देखिए खिचड़ी का पूरा परात मेरे हाथ में था और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं इसे सूंघ रहा था। तो देखिए कमर में दर्द होने लग गया था, इतने बार झुकना पड़ा था क्योंकि खिचड़ी डालने के लिए सभी को बैठे रहना पड़ा था ऊपर, तो कमर दर्द हो गया सुबह से मैं लगा हुआ था इसमें। तो सभी लोग घी घी कह रहे थे और सभी को घी जम के दिया जा रहा था, पूरी खिचड़ी में घी मिला के खा रहे थे लोग और घी की भी यहाँ जम गया था, काफी घी आया हुआ था यहाँ पर को। और देखिए मेरे हाथ में थी खिचड़ी की परात गर्मा गर्म। तो फ्रेंड ये आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा हमें, कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर को जो लोग आए थे खिचड़ी खाने वे यहाँ पर को खिचड़ी खा रहे थे और प्रसाद के रूप में से घर भी ले जा रहे थे। तो अब आ गया था फाइनली हमारा नंबर, तो अब काफ़ी लोगों ने खा लिया था और भीड़ भी कम हो गई थी और सभी ने कहा कि आप लोग भी खा लें। तो मैं था मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था, हम दोनों ने पहले काफ़ी खिलाया लोगों को और अब हम खा रहे हैं। देखिए सामने हंसी मजाक भी चल रही थी और हमने ले ली थी अपनी खिचड़ी और खिचड़ी के साथ था दही अचार। तो खिचड़ी खाना शुरू हो गया था और काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और अब थोड़े ही लोग रह गए थे। देखिए ये कुछ लोग रह गए थे जो काफ़ी देर में आए थे और लगभग सभी ने खा ली थी खिचड़ी और मेरे हाथ में था दही का गिलास और मैंने उसे पी रहा था क्योंकि दही काफ़ी अच्छा था यहाँ का और खिचड़ी कम और मैं दही ज़्यादा पी रहा था। देखिए खिचड़ी बट रही थी अभी भी और गर्मा गर्म खिचड़ी का आनंद काफ़ी मज़ा आता है और साथ में आपको दही है और मूली है, घी है, अचार है, तो क्या कहना। तो आपको अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।